आ जा भाई, हल्की हो चाहे भारी। ट्रेन में इतनी हालत खराब थी ना कि जो मंदिर जाने से पहले जो है जूता, भीड़ है ना कि अगर देखो यहाँ पे भंडारा चल रहा है यहाँ से जो है मंदिर। आप सबका नए ब्लॉक में फिर से स्वागत है। तो भाई अभी जो ये वीडियो आ रहा थोड़े दिनों के बाद आ रहा क्योंकि जो हम अपने घर आ गए थे और ये देखो मैं गांव के लिए रास्ता गई और यहां से भाई बस पकड़ेंगे और जो अपनी अगली ट्रिप के लिए आज निकल रहे हैं। और अभी कहां अभी यहां से चलेंगे उन्नाव और उन्नाव से फिर ट्रेन पकड़ेंगे। जैसा भी कुछ होता भाई दिखाते अभी यहां से। ये देखो ये रोड है। तो भाई जो है घर हम क्यों आए थे वो आपको आगे बताएंगे। बहुत ज़रूरी काम था इसीलिए नॉर्थ ईस्ट से हमको जो है आना पड़ा। और तो फिर वो जो है काम अब हो चुका है। क्या काम था? बहुत ज़रूरी काम था, वो आपको भी बताएंगे। और अभी भाई बस पकड़ते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे, क्योंकि जो है ट्रेन हमारी 3 बजे की है और 1 यहीं पर बच गया है। ये जो हमको लिफ्ट मिल गई है चक्रवंती से उन्नाव, पहली बार लिफ्ट लिया जब से ट्रैवल कर रहे हैं, आज जो है लिफ्ट लेकर जा रहे हैं। वो भी नहीं तो बस बस से 10 रुपये दे देते चले जाते थे। ये देखो ये कुछ अपना ऐसा दिखता है यहाँ से उन्नाव की, ये उन्नाव और इधर से सफीपुर बांगरमऊ ये पूरा हाईवे जाता है इधर से, कुछ ऐसा ही नज़ारा है भाई। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं उन्नाव स्टेशन। ये देखो भाई अपना ये उन्नाव स्टेशन है, कुछ ऐसा दिखता है भाई। आ जा भाई, हल्की हो चाहे भारी। कहाँ पीछे बैठी? घंटा कह लोग बैठी है आप पीछे बढ़े हो, ये मोटे ज्यादा हो तो। कानपुर कानपुर, हल्की हो या भारी, सवारी चले कानपुर। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं कानपुर स्टेशन और हम चल रहे हैं मथुरा और वृंदावन। तो भाई चलते सीधे मथुरा वृंदावन की ट्रेन पकड़ के और यहाँ से इधर से चढ़ना है हमको। भाई हम इस ट्रेन से आए थे और ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखो ये सब लोग जन्माष्टमी मनाने आए हैं पूरे। भाई देखो सब आदमी ही आदमी दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर लेटे, कहीं पैर रखने की जगह नहीं भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ है। ट्रेन में इतनी हालत ख़राब थी ना कि जो गेट ना, गेट के ऊपर भाई लटके थे आदमी पूरा तर ऊपर, इतनी ज़्यादा ये भीड़ है इधर देख सकते। हम जो है मथुरा वृंदावन आ गए और यहाँ भाई देख सकते कितनी ज्यादा भीड़ है। और इधर से ये यहाँ से इधर चल के भाई पूरा देखो आदमी चलते जा रहे हैं और आगे चलते हैं और फिर दिखाते हैं वृंदावन की तरफ। आज जो है कृष्ण जन्मोत्सव है भाई। ये देखो कैसी पूरी नगरी जो है सजी हुई है। ये देखो इधर से और ये आगे भाई चल के दिखा रहे, देखो ऐसे। और वो जो सामने दिख रहा है वहां से मेन गेट बस 200 मीटर बचा हुआ है और देख सकते हो भाई कितना एकदम दिव्य रूप से सजा हुआ है। यहाँ अंदर कुछ कथा होता चल रही है। तो भाई धूप बहुत ज्यादा है तो, और हर जगह पे भंडारे चल रहे हैं इधर। ये देखो इधर से पूरे। देखो गेट नंबर 3 से मंदिर के लिए दर्शन के लिए चले जाओ, कितनी ज्यादा भीड़ है। ये देखो एक तरफ से इधर से जाएंगे तो दर्शन एक नंबर से निकालेंगे, गेट नंबर 3 है इधर। ये देखो तो यहाँ से श्री कृष्ण जन्म स्थान है और यहाँ से भाई चलेंगे मंदिर के लिए अंदर की तरफ। मंदिर जाने से पहले जो है जूता और जो बैग वैग है ना, तो भाई यहाँ पर रख जो है जूता बैग निःशुल्क रख सकते हो। तो काफी ज्यादा भाई भीड़ लगी है और तो यहाँ पे बैग वैग अपना रखने के बाद तब जो है दर्शन के लिए लाइन लगाना पड़ेगा और तब उसके बाद दर्शन होंगे। भाई बहुत ज्यादा भीड़ है। ये देखो भाई कितनी ज्यादा भीड़, इतनी ज्यादा भीड़ है ना कि आदमी पैदल आने के लिए रोक के जा रहे हैं फिर थोड़े थोड़े करके वहां से भेजे जा रहे हैं। ये देखो इधर से बहुत ज्यादा भाई भीड़ है और आगे चल के दिखाते हैं भाई जैसा भी कुछ होता है आगे। भाई हम जो इस मेन गेट से घुस करके आए हैं और देखो कितनी ज़्यादा भाई भीड़ है। ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। ये देखो भाई आगे और यहाँ भी नीचे धूप ज़्यादा तेज है, इसी वजह से कारपेट बिछाई गई है पूरी मंदिर तक। इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि अगर जो चप्पल ऊपर रखे ना तो एक पास इकट्ठा किए जा रहे हैं, 40 से ज़्यादा चप्पल होंगे। और इस तरह देखो भाई सब लोग यहाँ पे पानी पी रहे हैं।
गर्मी है तो भाई पानी तो प्यास लगेगी। वो देखो भाई बहुत ज्यादा भीड़, ट्रेन में तो इतनी भीड़ थी ना कि क्या ही बताएं भाई। ये देखो इधर से, ये देखो पूरा ऐसे बिछाए, ये देखो ऐसे भाई चल रहा है। चल के देखते हैं आगे भाई कैसा क्या है। तो ये देखो यहाँ पे भंडारा चल रहा है और मंदिर का गेट जो है आगे से है। ये देखो भाई, ये देखो कितनी बहुत ज्यादा धूप है ना, तो ये देखो भाई बहुत ज्यादा भीड़ भी है। हर जगह पे आदमी मिलेंगे, जहाँ पा रहा जो वहीं पे लेट जा रहे हैं। देखो भाई ये सब बैठे हैं ना घर लोग, ये देखो भाई, ये देखो सब ऐसे बैठे हैं क्योंकि जब रात को जन्म उत्सव होगा ना, तो इस वजह से पहले से ही लोग यहाँ पर बैठे हैं ताकि जो है अंदर जा सके। ये देखो भाई, भाई यहाँ से जो है मंदिर का गेट पर यहाँ से जो है मोबाइल वोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। और यहाँ पे जो है जूता चप्पल बैग वैग, ये देखो भाई पूरी लाइन लगी यहाँ पे रखने के लिए, तो बैग वैग यहीं पे रखना पड़ेगा। और यहाँ से भाई देखो कितने सारे लोग ये बैठे हैं, तो भाई हम भी अपना बैग वैग जमा करते हैं फिर देखते हैं आगे क्या। तो भाई ये एक छोटा सा पार्क है और इस पार्क में देखो कितनी भीड़ भाई, जहाँ आदमी देखो हर जगह आदमी आदमी लेटे हैं हर जगह पर। ये देखो पूरी मतलब बैठने की जगह ही नहीं कहीं पे, और धूप इतनी ज्यादा है कि बेरिकॉर्ड। ये देखो भाई पानी ऐसे पिए जा रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है बहुत ज्यादा। इसी पार्क में बैठ के थोड़ी देर आराम करेंगे, कहीं कोने में बैठ के भाई जगह जहाँ पे मिल जाएगी तो वहीं बैठेंगे आराम करेंगे। उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद जो है मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। कहा कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ है ना, बैग वैग जमा करना पड़ेगा। और इस ब्लॉग को भाई यहीं तक रखते हैं और दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे जो कृष्ण जन्मोत्सव कैसे क्या कितनी भीड़ होती है भाई, पूरा सारा कुछ देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय ये नज़ारों के साथ में भाई।